Welcome to another episode of NOA's podcast. मैं हूं आपकी होस्ट नासिहा सरदार और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के बारे में. तो बेसिकली आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ऑल द इश्यूज एंड मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स कमिट जब वो प्रेसी राइटिंग करते हैं. और इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के पेपर में प्रेसी के अलावा जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है. तो आज की डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है सर अली शहाब, हु हैज़ वास्ट एक्सपीरियंस इन टीचिंग इंग्लिश इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक CSS, PMS एंड PCS. तो आइए और इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वेलकम अस्सलाम. सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे. थैंक यू वेरी मच सर. इन योर ओपिनियन आपको क्या लगता है कि ये प्रेसी राइटिंग की जो एक्सरसाइज है ये है क्या, लाइक व्हाट इज प्रेसी राइटिंग? अच्छा, ये बेसिकली प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का जो पेपर है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो है एक लाजमी हिस्सा है. सो अगर CSS की बात करें तो प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन 100 मार्क्स का है. सो इज़ द केस विद PMS. जुडिशरी में भी जो है, चूँकि वहाँ पे तो कंबाइंड पेपर होता है आपका एसे और प्रेसी का, वहाँ पे भी ये लाजमी होता है. प्रेसी राइटिंग बुनियादी तौर पर आपकी वो एबिलिटी है कि आप टेक्स्ट को जो है कैसे परसीव करते हैं, मेन आइडिया कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और सादा मुख्तसर अल्फाज में अगले शख्स तक कैसे पहुँचाते हैं. चूँकि आपने जिस सर्विसेज में जाना है वहाँ पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी जो है लॉन्ग स्टोरीज़ जो है उनको वो पढ़े. हर कोई चाहता है कि उसका टाइम बचे और वो जिस्ट और मेन आइडिया जो है वो जल्द अज जल्द अंडरस्टैंड कर लेते. सो नॉट ओनली फ्रॉम द लोअर टीयर्स बट टू द अपर टीयर्स प्रेसी राइटिंग जो है ये करियर में भी जो है बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है. सो मेन आइडिया जो है वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है और इस पर हर पैराग्राफ की एक जिस्ट होती है और हर राइटिंग का एक पर्पज़ होता है. वैन यू अंडरस्टैंड दैट जिस्ट एंड पर्पज़ तो फिर जो है प्रेसी राइटिंग का मरहला भी आसान हो जाता है. ठीक है सर. सर इसकी क्या वजह है कि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश ऐसे का पेपर तो पास कर जाते हैं बट वो प्रेसी का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो आपके ख्याल में व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस थिंग? अच्छा, ऐसे का जो पेपर है दैट इज़ द पेपर ऑफ योर राइटिंग स्किल्स. प्रेसी का जो पेपर है अगर मैं कहूँ कि मेजरली जो है वो आपकी रीडिंग स्किल्स पर मुनहसर है. और ऐसे में ज़ाहिर है एक ही टॉपिक है और इसी पर ही आपने सारे आइडियाज़ देते हैं, तो वो ज़ाहिर है एक आइडिया और एक आपका जो एक थॉट ऑफ माइंड है वो एक क्लैरिटी होती है कि आप उससे बाहर नहीं जाते हैं. मगर प्रेसी का जो पेपर है उसके अंदर फिर 6 मुख्तलिफ सवाल आते हैं और हर किसी में एक मुख्तलिफ स्किल भी है. प्रेसी के पेपर को अगर मैं कहूँ कि इट स्टार्ट्स विद वर्ड्स. व्हेन वी कंबाइन वर्ड्स वी गेट द सेंटेंसेस एंड व्हेन वी कंबाइन सेंटेंसेस वी गेट अ पैराग्राफ. तो ये जो जर्नी आपकी वर्ड से पैराग्राफ तक की है और वर्ड्स में फिर वोकैबुलरी आ गई है, फिर सेंटेंसेज में करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज पंक्चुएशन आ गई और फिर पैराग्राफ राइटिंग में जाहिर सी बात है प्रेसी राइटिंग और जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के जो पैराग्राफ्स हैं सवालों के जवाब वो भी आप उस तरह शॉर्ट पैराग्राफ में लिखते हैं और पैराग्राफ ट्रांसलेशन भी आ जाती है. ये चूँकि 3 मुख्तलिफ स्किल्स हैं और हर स्किल की अपनी एक रिक्वायरमेंट है. सो स्टूडेंट को यहाँ पे जो है वो भी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं जो हो सकता है उसके लिए पुरानी हो मगर उनका पूछने का जो अंदाज़ है बाय द एग्जामिनर वो डिफरेंट हो. तो हर स्किल जो है यहाँ पे एक एक्सपर्टीज़ डिमांड करती है. सो यही वजह है कि बहुत सारी चीज़ें जो शायद हम लाइटली ले लेते हों या स्टूडेंट का दिल ना चाह रहा हो करने का वो उस कदर ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती है उसके पास मार्क्स में. सो ये बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं. तो मैं यही कहूँगा मिसाल के तौर पे कि जब आप एसे का पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं आपकी हैसियत एक बैट्समैन की तरह होती है, मगर जब आप प्रेसी का पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो आपकी हैसियत एक बॉलर की तरह होती है. आपके पास 6 सवाल हैं तो एक ओवर में 6 बॉल्स हैं और हर बॉल मुख्तलिफ तरीके से जो है आपको जो है स्विंग की जाती है. सो इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पर हर स्किल हर सवाल जो है उसको मेरिट्स पर आप देखते हैं. इस वजह से इसकी तैयारी भी जो है बड़ी थरोली आपको करनी पड़ती है. सर जैसे आपने कहा कि जो प्रेसी का पेपर होता है वो इट इज़ अ पेपर लाइक इट्स अ टेस्ट ऑफ योर रीडिंग स्किल्स योर राइटिंग स्किल्स. तो अगर हम रीडिंग स्किल्स की बात करें सो इफ़ यू कैन मेंशन सम इफेक्टिव वेज जिससे एक स्टूडेंट अपनी रीडिंग स्किल्स को बेहतर बना सकता. अच्छा, हम एक्सपेक्ट ये करते हैं जिस वक्त ओरिएंटेशन होती है स्टूडेंट अक्सर जो है यही सवाल करते हैं कि सर रीडिंग स्किल्स हमने कैसे इंप्रूव करनी है, क्योंकि रीडिंग स्किल्स आपकी सिर्फ प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन या ग्रामर में हेल्प नहीं करती है बल्कि आफ्टर ऑल ऐसे राइटिंग और बाकी सब्जेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. सो रीडिंग स्किल्स के लिए तो पहली हम जो है सजेशन यही स्टूडेंट्स को देते हैं कि वो न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो स्टार्ट कर दें. और मगर इस पर भी जो है जाहिर है न्यूज़पेपर में भी जो लैंग्वेज है वो भी हर किसी के लिए इतनी ज़्यादा इजी नहीं होती है, तो उस पर इंटरेस्ट रखना बड़ा जो है मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है. तो उस पर जो एक बेसिक लर्नर होता है उसको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लेटर्स टू द एडिटर्स से शुरू करें. लेटर्स टू द एडिटर्स वो एक कॉमन मैन अप्रोच होती है, उसके अंदर आम जो मसाइल हैं जो पाकिस्तान भर में होते हैं वो लोग जो है प्रेजेंट कर रहे होते हैं. वहाँ पे चूँकि लैंग्वेज भी सिंपल होती है और आपको वैरायटी ऑफ लैंग्वेज और वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस भी मिल जाते हैं. जब एक आम आदमी अपनी लैंग्वेज प्रेजेंट करता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपना नॉलेज जो एक इंतहाई जो एक बेसिक नॉलेज होता है उसको भी जो है एक्सप्रेस कर रहा होता है.
मगर जिस वक्त न्यूज़पेपर रीडिंग की बात आती है तो उसके अंदर तो एक्सपर्ट्स होते हैं और बड़े रिफाइंड कॉलमिस्ट्स होते हैं. सो डायरेक्टली अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग अगर उस तरफ चले जाएंगे तो फिर तो डिफ़िकल्टी होगी. सो पहली स्टेज पे स्टूडेंट को यही मैं रिकमेंड करता हूँ, जिस वक्त आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो लेटर्स टू द एडिटर्स और वो जो फ्रंट पेज पे जो उसकी जो आम न्यूज़ होती है आप उसको जो है ज़रा ज़्यादा जो है फोकस करें. उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप जो है आप आगे बढ़ें. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि हम उस तरह रीडिंग पे नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाते, क्योंकि जाहिर सी बात है जी कॉन्टेंट ऐसा होता है कि वो उस पर अंदर कोई एंटरटेनमेंट तो होती नहीं है कि जिसको बड़े आप शौक से पढ़ें, और वो एक ही जो है सीरियस न्यूज़ और इस तरह के सीरियस टॉपिक्स हैं वो इस तरह नहीं जो है वो अपनी कॉन्सेंट्रेशन उस पर रख सकते. तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप लोग जो है स्टोरी बुक ले लें. स्टोरी बुक कौन सी? एसोप्स फेबल्स, जहाँ पे एनिमल स्टोरीज़ है. कि कम से कम अगर आपको कंटेंट पे इंटरेस्ट नहीं है तो एटलीस्ट आप एसोप्स फेबल्स किसी अच्छे पब्लिशर की जो है वो आप ख़रीद लें और उसको पढ़ना शुरू कर दें. अब स्टोरीज़ जो है हर इंसान पढ़ने का ज़ाहिर है वो शौक़ रखता है. आप जब वो स्टोरीज़ भी पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे भी जो है आपकी रीडिंग स्किल्स जो है बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती हैं. तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि न्यूज़पेपर्स पे जो है पहली स्टेज पे आप लेटर्स टू द एडिटर्स और न्यूज़ जो है उन्हीं को जो है ज़्यादा फोकस करें. दूसरी स्टेज पे जो है स्टोरी बुक्स आप उनको पढ़ना शुरू कर दें. और फिर उसके बाद जिस वक्त आपकी लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा जो है बेहतर हो जाए, एक्सप्रेशन आपका बेहतर हो जाए, तो फिर जो है आप आर्टिकल्स कॉलम्स जो है उनको तवज्जो दें. सो पहली स्टेज पे अगर तो आपने आर्टिकल्स और कॉलम्स पढ़ने भी हैं तो आप देखें कि आपके सब्जेक्ट रेलिवेंट कौन से हैं. तो एक कंप्यूटर साइंसेज का जो स्टूडेंट है वो जाहिर है अपना मटेरियल जो है ईजी टू अंडरस्टैंड है उसके लिए, उसके जार्गन्स वो अच्छे समझ सकता है. लिटरेचर का स्टूडेंट जाहिर है वो अपने मटेरियल पे जो है अच्छी जो है गिरफ्त रखता है, मगर सीएसएस में तो जाहिर है हर मौजू जो है उस पे जो है आपको एक कमांड होनी चाहिए. सो आप अपने सब्जेक्ट से शुरू करें, उसके बाद जो है फिर आप दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ जाएं. ठीक है सर. सर आपने लैंग्वेज की बात की, तो अगर हम थोड़ा सा स्पोकन लैंग्वेज पे आ जाए, बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स और कुछ लोग होते हैं दे आर वेरी गुड इन स्पीकिंग इंग्लिश, उनकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी होती है. सो आपको लगता है कि लाइक दे हैव हायर चांसेस लाइक ऑफ परफॉर्मिंग वेल इन देयर रिटन एग्जाम, या फिर जो एग्जाम की जो लैंग्वेज होती है जो या दैट इज दैट डिफरेंट फ्रॉम लाइक योर नॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज? अच्छा देखें, चांसेस तो सबके इक्वल हैं. एक ऐसा स्टूडेंट जो ज़रा अच्छे बैकग्राउंड से है डेफिनेटली उसकी स्पोकन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवड होगी, मगर स्पीकिंग और लिसनिंग ये एक्टिव मीडियम्स हैं, रीडिंग एंड राइटिंग ये पैसिव मीडियम्स हैं. और आप किसी स्किल में तभी महारत हासिल करते हैं जब उस पर आपने प्रैक्टिस की होती है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो दे आर वेरी गुड राइटर्स बट ऑब्वियसली दे आर नॉट गुड स्पीकर्स. ये चीज़ें सारी इकट्ठी चलती हैं. तो हमारे जो है टीचर भी यही कहा करते थे बैक देयर इन कैंटरबरी, वो यही कहते थे कि जी कि यू कैन नॉट बिकम अ गुड स्पीकर इफ़ यू आर नॉट अ गुड लिसनर, एंड यू कैन नॉट बिकम अ गुड राइटर इफ़ यू आर नॉट अ गुड रीडर. तो ये तमाम स्किल्स अगर आप साथ लेके चलेंगे तो फिर जाके जो है आपको उसका ओवरऑल जो है एक फ़ायदा होगा. सिंपली अगर एक स्किल को अगर आप कैरी कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि वो इस एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना करे, क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट तो बहरहाल इस एग्जामिनेशन की रीडिंग और राइटिंग ही है. स्पीकिंग तो फिर बाद में जाके इंटरव्यू या वहाँ पे जाके एक आपके जो है रिफ्लेक्शन होता है. सो मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि स्पीकिंग के साथ जो है बाकी स्किल्स उन पे भी तवज्जो दें. और एक जो स्टूडेंट जिसकी कोई भी स्किल अगर वीक है तो वो उसको जो है जितना ज़्यादा टाइम देगा, जितना ज़्यादा उस पर तवज्जो देगा, वो उतनी ज़्यादा उसको इम्प्रूव भी करेगा. तो ये इम्प्रूवमेंट पर ही है, एक एक्सरसाइज है, वो तभी जाके जो है उसके जो है दिमाग के भी जो मसल्स हैं वो तब भी बिल्ड होंगे. ठीक है सर. सर बेसिक ग्रामर पे बात करते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स को लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उनकी ग्रामर बहुत अच्छी है बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म अप टू द रिक्वायर्ड एक स्टैंडर्ड जो होता है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते. तो ये मुझे बताइएगा ये क्या रीज़न है, बिकॉज जैसे हमने लैंग्वेज पे बात की ऐसे ग्रामर का भी है कि लाइक द पेपर इट डिमांड्स अ डिफरेंट काइंड या फिर थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड काइंड ऑफ ग्रामर. और बिकॉज ग्रामर की सिग्निफिकेंस तो है व्हेन इट कम्स टू द रिटन एग्जाम, तो ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए व्हाट अ स्टूडेंट शुड डू? अच्छा, एफपीएससी की अगर आप सजेस्टेड लिस्ट देखें ना बुक्स की, उसके अंदर उसने बड़ी बेसिक बुक्स जो इंक्लूड की हैं. जो पहली बुक है बाय रेमंड मर्फी, उसके बाद दूसरी बुक है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज बाय माइकल स्वान. ये ऐसी बुक्स हैं जो कि लेमैन एक ले ऑडियंस के लिए लिखी गई हैं, कोई इसके लिए हाईटेक ऑडियंस नहीं चाहिए. एक चीज़ तो स्टूडेंट्स जो हैं वो जहन में बिठा लें कि यहाँ पे वो इंग्लिश में मास्टर्स नहीं करने आए, यहाँ पे कोई मैक्सिमम लेवल जो है उनसे उसकी तवक्को नहीं होती, यहाँ पे ऑप्टिमम लेवल चाहिए, यानी कि उस पेपर के लिए जितना दरकार है रिक्वायर्ड है. दूसरी चीज़ इस पेपर का कोर्स है, ये कोर्स से जो है बाहर नहीं जाता. उसने जो भी पूछना है वो कोर्स आउटलाइंस दिए हैं उसी कोर्स से ही पूछना है, और ये कोर्स ऑलमोस्ट 80% वही है
जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपने हाई स्कूल में या कॉलेज में या ग्रेजुएशन के दौरान जो है पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। हाँ, सवाल पूछने का अंदाज़ जो है वो डिफरेंट हो सकता है। बेसिक ग्रामर का मैं यही कहूँगा कि जो ग्रामर आपने अप टिल नाउ ग्रेजुएशन तक जो है एक सीख ली है वो सफिशेंट है। आपने जो है अब उसको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से तैयार करना है। अब जाहिर सी बात है कि मैं इसके लिए मिसाल यही देता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज तो सब जगह सेम ही है, मगर जिस वक्त आप आइल्स का इम्तहान देने के लिए जाएंगे तो आइल्स का एग्ज़ाम एक डिफरेंट पैटर्न से आता है। आप जिस वक्त सेट का एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो उसके क्वेश्चंस की नौीयत और सवालात जो है वो मुख्तलिफ होंगे। आप जिस तरह कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे तो उसके सवालों की नौीयत मुख्तलिफ होगी। तो इसी तरह कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जब आप अटैम्प्ट करने के लिए जाते हैं तो उनके सवाल जो है ज़रा मुख्तलिफ तरीके से पूछे जाते हैं। सो लैंग्वेज जो है स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि अब आपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के परस्पेक्टिव से तैयार करनी है और इस पर आपने रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है, यानी कि जितनी उसके लिए काफ़ी है, क्योंकि एक सिर्फ यही पेपर तो है नहीं, इसके अलावा भी बाकी 11 पेपर्स हैं। सो उनमें से भी बहुत सारे ऐसे पेपर्स होते हैं जिनकी ABC भी स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, इसी दौरान ही 4 or 5 months की प्रिपरेशन में ही उसमें एक्सेल करते हैं। सो यहाँ पे जो बेसिक ग्रामर है उसकी वो एग्जैक्टली वही है जो उसने ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ स्टडीज़ जो है वो सीख ली है, उसको बस उसने रिफ़ाइन करनी है। और आमतौर पर होता यही है कि बेसिक ग्रामर का जो स्टूडेंट कहते हैं कि मसला बहुत है, आपने डियर स्टूडेंट्स जिस वक्त ग्रेजुएशन में या इंटरमीडिएट में जिस वक्त आपने तैयारी की होती है आपने सिर्फ एग्ज़ाम पास करना होता है, मगर जब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं तो फिर उस वक्त शायद आप ज़रा ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, ज़्यादा मोहतात हो जाते हैं, क्योंकि अब स्कोर जो है उसकी जो है एक दौड़ और एक रैट रेस है, और उस पर जो है आके आप इनसिक्योर भी बड़ा फील करते हैं कि शायद हम इन जगहों पर मार खा जाएँ। सो मैं तो यही कहता हूँ कि इतना शायद आप अपने उस 4 साल ग्रेजुएशन में BS में नहीं सीखते होंगे जितना आप इन 4 माह में यहाँ पे सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कोर्स नहीं होता, आपकी कमिटमेंट भी होती है। तो इस वजह से अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े से इस चीज़ के बारे में ज़रा फिक्रमंद हो जाते हैं कि हमारी बेसिक ग्रामर की मिस्टेक्स बहुत आ रही हैं। वो डेफिनेटली आएंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप क्रिएटिव राइटिंग करेंगे, यहाँ पे अब कोर्स तो है नहीं, ट्यूटर ने आपको हैंडआउट्स देने नहीं है कि आपका सवाल भी इसी में से ही आ जाएगा। सो यहाँ पे तो सारे सवाल होते ही आउट ऑफ कोर्स तो नहीं, आउट ऑफ बुक हैं। तो जब क्रिएटिव राइटिंग आती है तो उस पर डेफिनेटली बेसिक ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं। उसका सोल्यूशन यही है कि स्टूडेंट्स वो प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस वो तभी करेगा जिस वक्त वो कोई अच्छे सैंपल्स पढ़ेगा अपने ट्यूटर से, जो है एक शुरू से लेकर एंड तक जो भी वो होमवर्क दे रहा है, टास्क असाइन कर रहा है क्रिएटिव राइटिंग के, वो सारे वो खुद से करेगा। और ये उसका अपना इंटरेस्ट होता है, डेफिनेटली जिस वक्त वो आता है अपने इंटरेस्ट की वजह से आता है, मगर वो जो गैप पिछले 4 साल के उस BS के प्रोग्राम या उसने अपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडीज़ जो उसने क्रिएट कर लिया है इन 4 माह में कवर करना, असल में ये डिपेंड करता है उसकी अपनी कमिटमेंट पे और वो कितना टाइम जो है इस पर स्पेंड करता है। अदरवाइज क्वेश्चंस हर गेज डिफरेंट नहीं है, क्वेश्चंस वही हैं, इंग्लिश लैंग्वेज भी जो है पिछले कई सालों से वही है, बस सवाल पूछने का तरीका कार मुख्तलिफ हो गया है, उसको सिर्फ उस चीज़ में महारत हासिल करनी है। सर आपने बात की कि ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए स्टूडेंट शुड लाइक रीड गुड सैम्पल्स, तो अगर आप कुछ ऐसे सैम्पल स्टूडेंट्स को रेकमेंड कर दें या कोई ऐसी बुक जिसमें एक्सरसाइजेज भी हो जिसको स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर सके, बिकॉज देयर इज़ अ बुक रेन एंड मार्टिन, आई डोंट नो इफ इट्स FPSC रेकमेंडेड और नॉट, बट आई थिंक दैट्स अ गुड बुक। तो इस तरह से अगर और भी बुक्स है या फिर कोई ऑनलाइन सोर्सेज हैं जिससे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सके तो वो आपको रेकमेंड करते हैं। अच्छा जी, रेन एंड मार्टिन इज़ नो डाउट अ वेरी गुड रिसोर्स। अब रेन एंड मार्टिन जो हैं ये दोनों थे गालिबन, मेरे ख्याल है इनको फौत हुए, कई दिहाइयाँ गुजर चुकी हैं। जो रेन एंड मार्टिन अभी आपको मार्केट में मिलती है ना, इट इज़ अपडेटेड बाई परसदा राव, वो जो इंडियन राइटर हैं गालिबन यही उनका नाम है। रेन एंड मार्टिन FPSC की सजेस्टेड बुक रीडिंग में शामिल नहीं है, उस लिस्ट में ये शामिल नहीं है रेन एंड मार्टिन। उन्होंने जो अब आपको बुक्स रिकमेंड की हैं वो सारी जो हैं मॉडर्न इंग्लिश की हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि रेन एंड मार्टिन जो है नहीं पढ़नी चाहिए, बहुत सारे लोगों को वो अपील करती है वो ज़रूर पढ़ें, अभी भी उसमें से रूल्स प्रपोजिशंस के कभी कभार कोई प्रेसी का टेक्स्ट भी उसमें से ही जो है एज इट इज़ कॉपी करके दे दिया जाता है। सर उसमें प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेज आपको बहुत मिलती है, एक्सरसाइजेज भी बेशक एक्सरसाइजेज भी बहुत ज़्यादा हैं। अब हमारे दौर में चूंकि हमारे पास वाहिद रिसोर्स एक रेन एंड मार्टिन ही होती थी, मगर अब डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आगे जो है कहानी चली गई है। 2016 में जिस वक्त कोर्स रिवाइज हुआ है तो FPSC ने रेन मार्टिन को जो है वो सजेस्टेड बुक लिस्ट में नहीं डाला, उसने जी रेमंड मर्फी को डाला है, उसके बाद माइकल स्वान और ये जितने भी जो है इंटरनेशनल राइटर्स इनको उसने फोकस किया है, इंडियन राइटर उसने कोई भी यहाँ पे जो है एकोमोडेट नहीं किया, उसके कुछ रीजंस हैं। अब 2016 के बाद जो सवाल पूछने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट हो गया है। रेन एंड मार्टिन याद रखें इट इज़ हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, तो हाई स्कूल से अब ये आगे की स्टेज है नंबर 1।
نمبر ٹو, رینڈ مارٹن میں کچھ رولز ہیں جو کہ شاید ماڈرن انگلش سے اس طرح جو ہیں وہ کوہیرنٹ نہ ہوں. فار ایگزامپل کہ رینڈ مارٹن جو ہے پریسی کی اگر ایکسرسائزز ہیں ڈفرینٹ پیراگرافس کی ہیں تو وہ بھی ڈفرینٹ پیراگراف میں پریسی کر رہا ہے, حالانکہ جو ماڈرن انگلش رول ہیں کہ بے شک آپ کو چار یا پانچ پیراگرافس بھی دیے جائیں آپ کی پریسی ایک ہی پیراگراف میں ہوتی ہے. مور اوور رینڈ مارٹن میں اس طرح شاید ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ نریشن کی ایگزامپلس نہیں دی گئیں جو کہ ڈائیلاگ بیسڈ ہیں. جو ماڈرن انگلش بکس ہیں ان کے اندر اب ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ نریشن جو ہے وہ اس کا طریقہ کار ماڈرن انگلش کے مطابق وہ بھی چینج ہو گیا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ ایک پرسکرپٹیو یا اولڈ ورژن جو ایک کلاسیکل انگلش ہے اس گرامر کے لحاظ سے رینڈ مارٹن جو ایک بڑی اچھی اپروچ ہے, مگر 2016 کے بعد جو سوالوں کی نیچر ہے وہ بھی تبدیل ہو گئی ہے. تو اگر کوئی کمفرٹیبل ہے رینڈ مارٹن, اس نے اپنے ہائی اسکول یا اس دوران پڑھی ہے تو وہ ضرور اس کو کیری کریں, مگر جو ایف پی ایس سی اس کو سجیسٹ کرا ہے اس کو بھی ضرور کنسیڈر کریں, کیونکہ ظاہر ایف پی ایس سی کی سجیسٹڈ بکس جو ہیں وہ میرے نزدیک جو ہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. پھر بھی اینڈ میں یہی بات کہوں گا کہ گرامر کے رولز تو بہرحال وہی ہیں, مگر جو سوال پوچھنے کا طریقہ ہے, اگر ایف پی ایس سی آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں ان کی کتابیں تو اس کا مطلب پھر وہ زیادہ ریلیونٹ ہے آپ کے ایگزامس کے ساتھ. سو سر, اکارڈنگ ٹو یو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایف پی ایس سی کی ریکمینڈیڈ بکس ہیں دے آر سفیشینٹ فار لائک پریپریشن, رائٹ؟ جی جی, وہ سفیشینٹ ہیں جی. میں پھر کہوں گا جی, آپ کو آپٹیمم لیول چاہیے, میکسیمم لیول نہیں چاہیے. کورس آؤٹ لائنز آپ کے کلیئر ہیں, اسی کورس میں جو ہے رہ کے ایگزامنر نے آپ سے سوال پوچھنا ہے, اور ایگزامنر بھرپور کوشش کرتا ہے کہ آپ کا نالج جو ایک جو ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہونا چاہیے اس کا بھرپور آپ اظہار کر سکیں. وہ ڈیفیکلٹ پیپر ہرگز نہیں بناتا ہے, وہ آپ کا پیپر جو ہے وہ سیٹ ہی ایسا کرتا ہے جس سے کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ جس نے اچھے طریقے سے تیاری کی ہے وہ اس کو اچھے نمبروں سے پاس بھی کر سکے. سو میں یہی کہوں گا کہ جو سجیسٹڈ بکس ہیں وہ سفیشینٹ ہیں. ہاں, اس کے علاوہ اگر آپ ہیلپنگ بکس یا مزید ٹاپ اپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اب آپ کا انٹرسٹ ہے, وہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, ہم بات کرتے ہیں تھوڑے سے مسکنسیپشنس پہ. اب آئی ڈونٹ نو اٹ از اے مسکنسیپشن اور ناٹ کہ اسٹوڈنٹس اکثر پوچھتے ہیں کہ اگر پریسی کا ایک پیسج ان کے سامنے آ گیا ہے تو اگر ہم اس کو ایک یا دو بار ریڈ کریں اور جو آپ کو سمجھ آئے, یعنی اگر آپ نے مین آئیڈیا پک کر لیا بس اس کو ہم سمرائز کر دیں, تو وڈ دیٹ بی اے پریسی یا پریسی از ڈفرینٹ فرام جسٹ اے سمری؟ اچھا دیکھیں, جو پریسی کے ٹیکسٹ دیے جا رہے ہیں نا اس میں مختلف ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہیں. ایف پی ایس سی نے جب سے کورس چینج کیا 2016 کے بعد تو وہ ورائٹی آف ٹیکسٹ دے رہا ہے. اب 2016 میں جس وقت بڑا ورس رزلٹ آیا تھا اس کا, غالباً 91% فیلئر ریشو تھی اسٹوڈنٹس کی, ایس اے میں کم تھی, اس میں جو اس نے آپ کو پریسی دی تھی وہ فرسٹ ٹائم اس نے نیریٹو ٹیکسٹ دی تھی, ایک ٹریولاگ دے دی تھی. اور ایگزامنر رپورٹ پڑھیں تو اس میں اس نے کہا ہے کہ اسٹوڈنٹس میڈ ٹو بیسک مسٹیکس. نمبر ون, ایک تو انہوں نے پاسٹ ٹینس کا استعمال نہیں کیا. نمبر ٹو, تھرڈ پرسن کا استعمال نہیں کیا. وہ جو پریسی تھی وہ فرسٹ پرسن آئی سے شروع ہو رہی تھی. اب ظاہر ہے وہ میری ٹریولاگ تو نہیں تھی, وہ تو اس رائٹر کی تھی. تو اس کے اندر دوسرا جو ایک ایگزامنر نے ایک تھوڑا سا جو ٹیسٹنگ اس نے رکھ دی تھی کہ اس کے اندر ڈائریکٹ اسپیچ بھی انوالو تھی, جو کہ ڈیفینیٹلی پریسی رائٹنگ میں آپ انڈائریکٹ میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں. 2016 کے بعد ایگزامنر نے پریسی رائٹنگ میں مختلف جو ہیں ویریشنز دینی شروع کی ہیں. پریسی میں ڈیفینیٹلی جو ایک پیراگراف دیتا ہے اس پیراگراف کا ایک ہی آئیڈیا ہوتا ہے, وہ ٹاپک سینٹینس یا وہ مین آئیڈیا پریسی کے اسٹارٹ میں بھی ہو سکتا ہے, مڈل میں بھی ہو سکتا ہے, کنکلوژن میں بھی ہو سکتا ہے. تو وہ مین آئیڈیا سمجھنا تو بہت ضروری ہے, نمبر ون. نمبر ٹو, اس کے ساتھ جو ٹیکنیکس ہیں ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اب یہاں پہ جو تین ٹیکنیکس ایگزامنر فوکس کر رہا ہے وہ تین قسم کی ٹیکسٹ میں جو ہیں ڈیوائڈیڈ ہیں. پہلی جو ہے ٹیکسٹ, وہ آپ کو پریزنٹ ٹینس میں دے رہا ہے, جس میں ظاہر ہے فیکٹس آپ بیان کرتے ہیں. سو 2018 کی آپ ٹیکسٹ دیکھیں تو کلائمیٹ کی بات کی ہے, اس کے امپیکٹ پہ بات کی ہے, ساری فیکٹس پہ مبنی ہے, تو پریزنٹ ٹینس ہی آپ کو زیادہ نظر آئے گا. دوسرا وہ ٹینس دے رہا ہے آپ کو پاسٹ, اور پاسٹ میں پھر وہ ورائٹی دے رہا ہے ٹیکس کی. 2016 میں جو اس نے آپ کو پاسٹ ٹینس میں جو ایک نیریٹو ٹیکس دی تھی وہ ٹریولاگ تھی. تو ظاہر ہے وہ سفر نامہ, ایک بندہ گیا گھوم پھر کے آیا تھا, بڑا اچھا اسے محسوس ہوا تھا, اس نے اپنا سارا پاسٹ ایکسپیرینس لکھا. اس کے بعد پھر ٹریولاگ کے علاوہ پاسٹ ٹینس میں کون سی پریسی ہوتی ہے, وہ بیوگرافی بھی ہو سکتی ہے, کسی شخص کی حالات زندگی. آل رائٹ سر, جو پریسی رائٹنگ ہوتی ہے نا, تو اب مجھے خود اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے, لیکن اکثر پوچھنے میں آیا جاتا ہے کہ لائک اگر پریسی کا ٹیکسٹ سامنے آتا ہے اس کو ریڈ کر کے, ایک بار ریڈ کر کے یا پھر دو بار ریڈ کر کے, اگر جو آئیڈیا ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ یہ مین آئیڈیا ہے, اگر ہم اسی کو سمرائز کر دیں تو وڈ دیٹ بی اے پریسی یا پھر پریسی از ڈفرینٹ فرام اے سمری؟ اچھا, آن دی سرفیس لیول تو بات آپ نے ٹھیک ہی کی ہے کہ آپ اسے ایک بار پڑھیں گے, دو بار پڑھیں گے, اور آپ کو اوور آل آئیڈیا اس کا کیا سمجھ آئے گا, آپ نے اسی کو جو ہے پریزنٹ کرنا ہے.
एक हद तक ये बात दुरुस्त भी है, मगर FPSC ने 2016 के बाद प्रेसी में बहुत सारी जो है वेरिएशंस देना शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ पे सिर्फ कंटेंट वैल्यू नहीं करता बल्कि लैंग्वेज भी वैल्यू करती है। अब आपको कंटेंट समझ आ जाए मगर आप अप्रोप्रिएट लैंग्वेज ना यूज़ करें तो स्कोर जो है फिर आपको अवार्ड नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अब प्रेसी जो है आमतौर पे 3 टेंसेज में जो है दी जा रही है, प्रेजेंट टेंस में जिनमें फैक्ट्स आप बयान करते हैं, फिर उसके बाद पास्ट टेंस में जिनमें स्टोरी या नैरेटिव टेक्स्ट भी जिसको कहा जाता है, फिर उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस में। इन तीनों टेंसेज से जो है FPSC ने आपसे इम्तहान ले लिया। सबसे पहले तो जी प्रेजेंट टेंस की बात करता हूँ, उसके अंदर जो आमतौर पे आप फैक्ट्स बयान करते हैं जैसे 2018 की टेक्स्ट थी कि इम्पैक्ट क्या है क्लाइमेट का ह्यूमन एक्टिविटी पे, तो ज़्यादातर वो टेंसेज वो प्रेजेंट ही थे क्योंकि ये ज़ाहिर है फैक्ट्स हैं। फिर उसके बाद नैरेटिव टेक्स्ट जिसमें पास्ट टेंस इस्तेमाल होती है वो 2016 से लेकर अब तक इन्होंने गालिबन 3 बार इस्तेमाल कर लिया। पहली बार जो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ट्रैवलॉग आपको दी थी, तो ट्रैवलॉग जो है वो ज़ाहिर है सफ़रनामा पास्ट में ही लिखा जाता है। उसके बाद 4-5 साल के बाद 2021 में इन्होंने बायोग्राफी दी थी नज़ीर हसन की कि उसकी क्या अदबी खिदमत थी, लिटरी कॉन्ट्रीब्यूशन थी फॉर पैलेस्टीनियन कोज, 1-2 सेंटेंसेस को छोड़ के वो भी सारी की सारी पास्ट में थी। मज़ीद फिर अगले साल उन्होंने एक ग्रीक ओरेकल्स के बारे में एक टेक्स्ट दी थी, वो भी पास्ट टेंस में थी। तो दूसरा तो ये है कि आपका जो लैंग्वेज है जो आपका टेंस है वो जो है वो भी करेक्ट होना चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज का असूल ये है कि जिस टेंस में सवाल होता है उसी टेंस में उसका जवाब भी दिया जाता है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तीसरी जो उसने वेरिएशन दी है आपको टेंस में वो दी है कंडीशनल सेंटेंसेस की। 2017 की जो उसने टेक्स्ट दी है उसके अंदर 80% उसने कंडीशनल सेंटेंसेस यूज़ किए हैं। 4 एग्जांपल्स थी, 2 थर्ड कंडीशनल्स की थी, 2 सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस की। अगर आपको मेन आइडिया समझ आ भी जाता है मगर आप कंडीशनल सेंटेंसेस ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको फिर स्कोर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ कॉन्टेंट की वैल्यू नहीं होती बल्कि जो लैंग्वेज है जिसके ज़रिए आप एक्सप्रेस कर रहे हैं वो आइडिया, उसकी भी वैल्यू होती है। दूसरी तरफ टेक्स्ट को 1-2 बार पढ़ना वो तो डेफिनेटली ज़रूरी है, आपको मेन आइडिया तभी पता चलता है, मगर ये भी कहना कि मेन आइडिया शायद टेक्स्ट की बिगिनिंग में होगा ये भी दुरुस्त नहीं है। बहुत सारी टेक्स्ट होती हैं जिसके अंदर जो है मेन आइडिया शुरू में एक्सपोज कर दिया जाता है और एंड तक जो है द राइटर स्टिक टू इट, मगर मेन आइडिया जो है टेक्स्ट का वो बिगिनिंग में भी हो सकता है, मिडल में भी हो सकता है, कंक्लूजन में भी हो सकता है। सो मैं आपकी बात को लेके आगे मज़ीद बढ़ाऊँगा कि कॉन्टेंट जो है ना सिर्फ आपने उसको वैल्यू करना है बल्कि आपने टेंसेज पर भी ध्यान देना है। अगेन FPSC ने फिर यहीं से वो बात निकल आई है कि रैनन मार्टिन को क्यों नहीं शामिल किया। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं प्रेसी राइटिंग के बारे में, अब उनमें एक बुक जो एक इंडियन राइटर की है, इंडियन राइटर्स थोड़ा सा इसके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आपकी हर प्रेसी जो इंडियन जो राइटर्स का जो सोल्यूशन है वो चंद स्टीरियोटाइप सेंटेंसेस से स्टार्ट होती है। अक्सरियत जो है उनकी प्रेसी स्टार्ट हो रही हैं विद द फ्रेज द ऑथर सेड दैट। डियर स्टूडेंट्स, जिस वक्त आप जो है ना द ऑथर सेड ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं तो जब आप रिपोर्टिंग वर्क पास्ट में रखेंगे सेड तो उसके बाद प्रेजेंट टेंस वो पास्ट में चेंज होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट अपने आप को एक एक्स्ट्रा हैसल में डाल लेता है। अब जो प्रेजेंट टेंस उसके सामने आता है जब वो द ऑथर सेड लिखता है तो उसको पास्ट में करने बैठ जाता है, वो बेसिकली अब नरेशन करने के लिए बैठ गया। तो यहाँ पे मैं कोट करूँगा जो इंटरनेशनल राइटर्स हैं प्रेसी राइटिंग के, प्रेसी राइटिंग फॉर अंडर ग्रेजुएट बाई डेरी एवंस और हंटर की भी एक किताब है, वो कहते हैं कि जो एक्चुअल टेंस है आप हमेशा जो है उसी को फॉलो करें। ये कभी ना लिखें दी ऑथर सेड, अकॉर्डिंग टू ऑथर लिख दें अगर आपको लिखना ही है, या दी ऑथर सेज, मगर जो एक्चुअल टेंस है आप उसी को लेके चलें। तो FPSC आपको इन तीनों टेंसेस के जरिए टेस्ट कर चुका है, वो आपको प्रेजेंट टेंस में भी प्रेसी दे चुका है, पास्ट में भी, कंडीशनल में भी, इनको वो मिक्स भी कर सकता है। सो मेन आइडिया इज स्टिल देयर, जो कि आपको जाहिर है रीडिंग स्किल से ही पता चलेगा 1-2 बार पढ़ने के बाद, मगर मैं मेन आइडिया के साथ कॉन्टेंट के साथ मज़ीद ज्वाइन करूँगा लैंग्वेज को भी, लैंग्वेज को भी जो है आपने बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू करना है। ठीक है सर। सर कुछ आप अगर मिसकंसेप्शंस मेंशन कर दे या कुछ मिस्टेक्स, कॉमन जो मिस्टेक्स होते हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं वाइल अटेम्प्टिंग द प्रेसी पेपर या प्रैक्टिस के दौरान भी जो कॉमन मिस्टेक्स है, जैसे समटाइम्स ये भी होता है कि जो वर्ड्स होते हैं उनके सिनोनिम्स लिख लेते हैं और उनको लगता है शायद वो लोग एक दे हैव कम अप विद अ वेरी गुड प्रेसी, तो इस तरह के अगर दूसरे भी मिसकंसेप्शंस है तो आप उनको थोड़ा सा मेंशन कर दें। अच्छा, देखिए सिनोनिम्स के बारे में ख्याल रखें। अब जो साइंटिफिक टेक्स्ट होती हैं, अगर मैं कहूँ 2018 में जैसे क्लाइमेट की टेक्स्ट आ गई थी, साइंटिफिक टेक्स्ट के कुछ अपने जार्गन्स होते हैं।
अब जार्गन को जिस वक्त आप किसी सिनोनिम से रिप्लेस करते हैं तो हो सकता है वो एग्जैक्ट वो मीनिंग कन्वे ना करें. बी केयरफुल रिगार्डिंग दीज साइंटिफिक टेक्स्ट. सिनोनिम यूज़ करने के लिए जो सबसे अच्छा जो तरीक़ाकार है, आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये जो मैं सिनोनिम यूज़ कर रहा हूँ क्या ये वही आइडिया कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है. अक्सर ये होता है जिस वक्त आप वर्ड चेंज करते हैं, सिनोनिम उसकी जगह कोई यूज़ करते हैं, तो उसकी कॉनोटेशन या मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है, किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट के लिए वो ज़्यादा मौजू होता है. तो सिनोनिम्स आप डिक्शनरी ओपन करते हैं या कोई भी रिसोर्स ओपन करते हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट तो देते नहीं है, वो आपको पॉसिबल जो है उनके सिनोनिम्स दे देते हैं कि भाई इसके जगह और कौन कौन से वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं. हर वर्ड एक कॉन्टेक्स्ट के साथ आता है, तो सिनोनिम्स यूज़ करने में आप ये एहतियात करें कि कहीं आपका मीनिंग तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा. अगर नहीं हो रहा है तो फिर तो ये डेफिनेटली आपने लिखना अपने अल्फाज में ही है. मगर सिनोनिम सिर्फ इसलिए यूज़ ना करें कि मैंने सिनोनिम ही यूज़ करना है. आप प्रेसी अपने अल्फाज में लिख रहे हैं और उसको आसान तरीन अल्फाज में रीडर तक पहुंचा रहे हैं. ये एम जब आपके जहन में होगा तो फिर आप अल्फाज भी वही इस्तेमाल करेंगे जो रेलिवेंट होंगे मेन टेक्स्ट के करीब करीब. सो इसलिए मैं कहता हूँ सिनोनिम्स में ज़रा एहतियात कीजिए और ये देखें कि वो मीनिंग जो है उसके अंदर क्लैरिटी हो और सिंपलिसिटी हो. सर इसके अलावा दूसरे अगर मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं. अच्छा दूसरे अलावा हाँ, इसका एक तो जो मैंने बता दिया कि द ऑथर सेड इस फ्रेज से शुरू नहीं कर रहा है, नंबर वन. आप जो हैं फिर आगे टेंस चेंज करने लग जाएंगे, वो आप फिर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन यूज़ करते हैं. आपने कहा कि वो एक तो ये चीज़ है. दूसरी चीज़ ये कि सबसे पहले आप रफ ड्राफ्ट ज़रूर बनाएं. जब एक या दो बार आप पढ़ लें उस टेक्स्ट को, वो रफ ड्राफ्ट आंसर बुक की बैक साइड पर आप बना लें. फ्रंट पर भी बना सकते हैं मगर मैं बैक साइड पर ही कहता हूँ रफ वर्क करें ताकि एग्जामिनर को आपका इंप्रेशन ज़रा अच्छा मिले. आपने नीट क्वेश्चंस ही शुरू से जो है वही जो है कैरी करने हैं. रफ ड्राफ्ट जब आप बना लेते हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली जब आप लिखते हैं तो मज़ीद आपके जहन में कुछ क्लैरिटी आ जाती है और उसके अंदर कोहेरेंस का भी आपको डेफिनेटली ख्याल रखते हैं. अच्छा जी, आजकल ये भी एक बहुत ज़्यादा सवाल मुझसे पूछा गया है कि सर ये जो प्रेसी का पैराग्राफ को जो सीक्वेंस है हम चेंज कर सकते हैं. इस पर जो है स्टूडेंट्स को मैं यही एडवाइस करता हूँ कि अव्वल तो एग्जामिनर आपको कोई जम्बल्ड सेंटेंसेस पे बेस्ड प्रेसी नहीं देता, वो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट देता है, यानी कि जिसका प्रॉपर बिगिनिंग, प्रॉपर मिडल और प्रॉपर कंक्लूजन होती है. कभी भी इस सीक्वेंस को शफल नहीं करना, उसने जिस सीक्वेंस से दिया आपने उसी सीक्वेंस को ही फॉलो करना है. हाँ अगर ऐसा हो जाए कभी कि वो बिल्कुल ही जम्बल्ड सेंटेंसेस दे दे तो वो फिर उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो ज़ाहिर है फिर आपको अरेंज करना ही पड़ेगा. मगर कंपेटिटिव एग्जाम्स में ये जो हैं पैरामीटर्स बरकरार रखे गए हैं, आपको पैराग्राफ या कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ्स वही दिए जाते हैं जिनकी कोई लॉजिक होती है, जो कि फ्लो में आप हाँ एक फ्लो में, एक लॉजिकल फ्लो में होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करना मकसद नहीं होता. सो ये जो आजकल मैं बातें बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ कि जी आप जो है ये ऑर्डर चेंज कर दें, तो ये तो हरगिज़ जो है मैं इसको जो है कभी भी जो है करेक्ट नहीं तस्वर करूँगा. स्टूडेंट इससे और कन्फ्यूज़ होगा. आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव और बेहतरीन टेक्स्ट दी जाती है, ज़्यादातर बर्टन रसल की है या दूसरी रिसोर्सेज से हैं. तीसरी चीज़, कंक्लूजन कभी इग्नोर ना करें. कंक्लूजन आइदर मेक इट और ब्रेक इट. वहाँ पे या तो गुफ्तगू जो है वो मुकम्मल हो रही होती है या कभी कभार ऐसा होता है कि कोई नई थॉट जो है वो भी दे दी जाती है. कंक्लूजन आपके टाइटल पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है. कंक्लूजन पढ़े बगैर आपने टाइटल भी जो है वो डिसाइड नहीं करना है. सो टेक्स्ट की रीडिंग एक या दो बार करें, उसके बाद रफ ड्राफ्ट बनाएं, वो आप आंसर बुक की बैक साइड पे बनाएं, फिर उसके बाद आप नीट ड्राफ्ट की स्टेज पे जाएं. सो ये वो चंद चीज़ें हैं, पैरामीटर्स हैं. अगर स्टूडेंट्स इसका ख्याल रखेगा तो डेफिनेटली प्रेसी में वो स्कोर भी अच्छा करेगा. सर प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के पेपर को अगर हम देखें, 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें प्रेसी का जो पोर्शन होता है दैट इज ऑफ 20 मार्क्स, रिमेनिंग 80 मार्क्स के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं. कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन होता है, ट्रांसलेशन होती है, वोकैबुलरी रिलेटेड करेक्शन, प्रपोजिशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं. सो वील कम टू वर्ड्स द कॉम्पोजिशन. अभी तो सबसे पहले तो प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन में फ़र्क क्या है? अच्छा जी, प्रेसी में शायद वो एक मैं पॉइंट मिस कर गया हूँ, वो पिछले सवाल से जो है रेलिवेंट है, शायद टाइटल का जो है मैं नहीं बोल सका. अच्छा टाइटल, डियर स्टूडेंट्स, हमें जो है वो एक तो टॉप पे लिखना चाहिए. दुनिया की हर किताब में पैराग्राफ का टाइटल टॉप पे ही होता है. सीएसएस का इम्तहान वो वाहिद इम्तहान है जिस पे एंड में होता है, और ये भी वो ट्रेडिशन वो इंडियंस ने जो है फॉलो की है. सो मगर बहरहाल एग्जामिनर इसके बारे में भी लीनियंट है, आप टॉप पे लिखें एंड में लिखें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर टाइटल ज़रूर टॉप पे लिखें, क्योंकि टाइटल का भी सिनोनिम मैं देखूँ इट इज़ हेडिंग, सो हेड ऑलवेज गोज ऑन द टॉप. दूसरा, टाइटल जो है वो चार वर्ड से ज़्यादा ना हो. इन वर्स्ट केसेस फाइव वर्ड्स हो जाए, इन वर्स्ट केसेस, मगर फोर वर्ड्स आर बेटर, फाइव वर्ड्स आर गुड, ये कह सकते हैं. टाइटल मस्ट रिफ्लेक्ट द एग्जैक्ट स्पिरिट ऑफ द टेक्स्ट, पर्पज ऑफ द टेक्स्ट.
अगर तो वो आइडिया जनरलाइज हो रहा है तो जनरलाइज करें, अगर तो सिर्फ स्पेसिफिक उसी करेक्टर के बारे में बात हो रही है टाइटल भी स्पेसिफिक आपका होना चाहिए। और दूसरा वो जो गलती की आपने बात की है, गलती तो नहीं है ये, बस एक नाइव अप्रोच है। आमतौर पर चूँकि पेपर्स हम भी मार्क कर रहे होते हैं तो हम उस पर देख रहे होते हैं टाइटल के साथ स्टूडेंट ने वर्ड टाइटल लिखा होता है। ट्रस्ट द इंटेलिजेंस ऑफ द एग्जामिनर, वो इतना जहीन है उसको पता है ये टाइटल है, ठीक है अब टाइटल लिखते हैं, पहले सारे अल्फाज जो है कैपिटलाइज करते हैं, अब बहुत सारे होते हैं उसे अंडरलाइन कर देते हैं या बोल्ड में लिखते हैं, अच्छी बात है, टाइटल का वर्ड खुदारा ना लिखें। हाँ, टाइटल भी लिखा होता है, समटाइम टॉपिक भी लिख देते हैं, टॉपिक भी लिख देते हैं जी सर। दूसरा फिर जब प्रेसी करते हैं तो जाहिर है वो प्रेसी का क्वेश्चन नंबर टू होता है, जो टेक्निकली आपका ये जो पेपर है प्रेसी इन कंपोजिशन का उसका पहला सवाल होता है। फिर वो प्रेसी करते वक्त नीचे एक वर्ड प्रेसी भी लिख देते हैं, उसके नीचे प्रेसी करते हैं, तो अगेन ट्रस्ट द इंटेलिजेंस ऑफ द एग्जामिनर, उसको पता है बेटा प्रेसी ही कर रहे हैं। सो पैराग्राफ इंडेंट करना है नहीं करना है वो आपकी चॉइस है, दोनों जो है मेथड्स जो है ये काबिले कबूल है। सो ये तो बात होगी उसकी आपके जो है टाइटल की और जो प्रेसी में किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब प्रेसी इन कंपोजिशन की बात है डियर स्टूडेंट्स, सो मेरे ख्याल है जी कंपोजिशन जो है इट इज़ व्हाट वी कॉल पैराग्राफ, यानी कि हाउ यू कम अप विद एन आइडिया। जैसा कि शुरू में मैंने कहा था कि दिस पेपर डील्स विद वर्ड्स एंड व्हेन यू कंबाइन वर्ड्स यू गेट सेंटेंसेस, व्हेन यू कंबाइन सेंटेंसेस यू गेट अ पैराग्राफ एंड वन पैराग्राफ हैज़ वन मेन आइडिया, दिस इज़ व्हाट वी कॉल कंपोजिशन। सो मोर और लेस दोनों एक दूसरे की जो है एक ही रिफ्लेक्शन ही है, क्योंकि दोनों में एक पैराग्राफिंग तो बहरहाल इन्वॉल्व होती है। 2016 में जिस वक्त आपका कोर्स चेंज हुआ है उससे पहले प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में पैराग्राफ राइटिंग का क्वेश्चन भी होता था, 250 टू 300 वर्ड्स का पैराग्राफ राइटिंग का क्वेश्चन दिया जाता था। ये ट्रेंड आज भी पीएमएस के प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में बरकरार है, वहाँ पे भी आपको 250 से 300 वर्ड्स का पैराग्राफ राइटिंग का क्वेश्चन दिया जाता है। सो बहरहाल लेटर ऑन 2016 के बाद इन्होंने जो है ये सवाल पूछना जो है बंद कर दिया। सो कोर्स चेंज हो गया मगर किसी न किसी तरह वो आपकी पैराग्राफ राइटिंग स्किल्स जो है उनको भी चेक कर लेते हैं। सो ये पैराग्राफ इन्वॉल्व है जी, पैराग्राफ आपका इन्वॉल्व है प्रेसी राइटिंग में, क्योंकि एक पैराग्राफ में ही आप लिखते हैं, वो टेक्स्ट जो है 80 टू 120 वर्ड्स तक आप उसकी प्रेसी लिखते हैं। पैराग्राफ राइटिंग इन्वॉल्व है जी आपकी ट्रांसलेशन में, अगेन वो भी पैराग्राफ में ही आप लिखते हैं, वन पैराग्राफ हैज़ वन मेन आइडिया, अगेन उसके अंदर भी पैराग्राफ राइटिंग के पैरामीटर्स हैं, कोहेरेंस का ख्याल रखते हैं, रेपिटेशन आप नहीं करते प्रॉपर नाउंस की। फिर पैराग्राफ राइटिंग आपकी इन्वॉल्व हो जाती है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं डायलॉग की सूरत में, और साथ इंस्ट्रक्शन होती है कि इनकी इनडायरेक्ट स्पीच भी आपने पैराग्राफ में लिखनी है, तो पैराग्राफ वहाँ पे भी इन्वॉल्व हो जाता है। कंपोजिशन जो है इस वजह से इसको कहा जाता है। ठीक है सर। सर आपने लेंथ की बात की तो वो मैं आपसे प्रेसी वाले पोर्शन में पूछना भूल गई थी। वैसे तो जो प्रेसी की लेंथ हुई थी दैट इज़ 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ जो आपको दिया जाता है। सो लाइक अ स्टूडेंट शुड लाइक स्टिक स्ट्रिक्टली टू दिस 1/3 लेंथ या उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है? अच्छा जी देखें 1/3 जो है अब ज़ाहिर है ये एक रिलेटिव एक टर्म इस्तेमाल की गई है। अब ऐसा तो नहीं है कि 100 वर्ड्स उसने दिए हैं तो मैथमेटिक्स की तरह जा के सीधा 33 पे ही मेरी ब्रेक लगेगी। ज़ाहिर वो इंग्लिश लैंग्वेज का एक अपना सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। 1/3 से मुराद ये है कि अगर 5 अल्फाज आप ऊपर चले गए हैं तो दैट्स फाइन, 5 से 6 अल्फाज आप एक्सीड भी कर सकती है लिमिट। अगर 5-10 अल्फाज कम रह गए हैं तो फिर भी ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि अराउंड ये लगभग की हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे वो कोई स्ट्रिक्ट ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि आपने एग्जैक्टली 1/3 के 100 वर्ड्स हैं तो 33 पे ही ब्रेक लगेगी, वो 5-10 अल्फाज कम या ज़्यादा हो सकते हैं, मगर आइडिया कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी इस कदर ज़्यादा वो टेक्स्ट को कंसाइज कर देते हैं कि मेन आइडिया जो है वो सही तरह से कन्वे नहीं होता, टेक्स्ट का जो स्पिरिट होता है वही सारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। सो ना तो इतना ब्रीफ आपने कर देना है कि वो टेक्स्ट का एक सीक्वेंस ही ख़राब हो जाए, ना ही इतना ज़्यादा आपने वर्ड लिमिट को एक्सीड करना है कि वो क्वेश्चन की डिमांड ही जो है वही जो है उसी पे क्वेश्चन रेज हो जाए। सो यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। सो 5 अल्फाज ज़्यादा या 5 अल्फाज कम ये प्रेसी में एक्सेप्टेबल है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोफेसर है और उनको भी इन चीज़ों का पता है, क्योंकि यहाँ पे अब जाहिर है हम मैथमेटिक्स का कोई यार्ड स्टिक तो है नहीं कि वो अल्फाज गिनने के लिए बैठ जाएगा, आप एवरेज ही निकालते हैं, तो अगेन उसको पढ़ते साथ ही पता चल जाएगा कि वेदर इट फॉल्स विद इन द वर्ड लिमिट और नॉट। ऑलराइट। और सर मैंने एक और चीज़ भी नोटिस की है कि स्टूडेंट्स वो प्रेसी अटेम्प्ट करने के बाद अक्सर ब्रैकेट में नीचे लिख देते हैं कि ये मैंने इतने वर्ड्स की प्रेसी लिख दी है। अच्छा। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, इस पर एग्जामिनर की आज तक कोई जो है कमेंट नहीं आया, एग्जामिनर की कोई रिपोर्ट नहीं आई। जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं मेरे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं लिखा कि वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट लेट सपोज 400 प्रेसी वर्ड्स 120, जो लिख देता है
अगेन किसी भी प्रेसी की किताब में ऐसा लिखा नहीं है, जो इंटरनेशनल एडिशंस हैं प्रेसी के, डेरी एवंस का हो गया, हंटर का हो गया, उसके अंदर ऐसा नीचे वर्ड्स नहीं लिखे हुए कि मेरी प्रेसी के कितने वर्ड्स हैं। वो डेफिनेटली आपको खुद भी पता चल जाता है वर्ड लिमिट में आ रहे हैं, और एग्जामिनर को तो बहरहाल पता ही है कि आपकी वर्ड लिमिट आ रही है या नहीं आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको प्रैक्टिस किया भी है, इस पर एग्जामिनर ने कोई ऑब्जेक्शन आज तक नहीं किया। तो अगर आप इतने लकी हैं कि आपके पास इतना टाइम बच जाता है कि आप एक एक वर्ड काउंट करते हैं और नीचे लिख देते हैं, अब वहाँ पे जाहिर है आपके पास मोबाइल फ़ोन तो नहीं होता, अब आप वर्ड काउंट करेंगे तो पहले तो एक्चुअल टेक्स्ट के वर्ड काउंट करेंगे कि लेट्स सपोज वो 400 है, उसके बाद फिर अपनी प्रेसी के भी वर्ड्स काउंट करेंगे, 10 मिनट तो आपके लग जाएंगे। तो ये तो सारा पेपर ही टाइम मैनेजमेंट का है। अगर आप इतने लकी हैं आपके पास इतने यानी कि टाइम बच जाता है, तो बैठें और फिर वर्ड्स गिनना शुरू कर दें। ठीक है सर, सर वोकैबुलरी पे बात करते हैं, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स पर्सनली, आई हैव सीन स्टूडेंट क्रैमिंग वर्ड्स, जीआरई की वोकैबुलरी की किताबें उठा के ना वो याद कर रहे होते हैं, और फिर एंड पे कहते भी है कि कुछ लोग कहते हैं मैंने 2500 वर्ड्स याद कर लिए, कुछ कहते 3000 मैंने वर्ड्स क्रैम कर लिए, 3500 तक भी स्टूडेंट्स जाते हैं। तो आपको इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिकॉज सवाल करने का मकसद ये है कि अगर पेपर में तो 10 वर्ड्स आएंगे, अगर कोई बच्चा 3500 भी प्रिपेयर करके जाता है, व्हाट इफ वो उससे बाहर आ जाए, तो आपको क्या लगता है कि एक, बिकॉज अगर 3500 वर्ड्स एक स्टूडेंट याद करता है, सो लाइक ही और शी हैज़ टू एलोकेट अ लॉट ऑफ टाइम टू दिस एक्टिविटी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं तो स्टूडेंट्स को पहली बार ही सोल्यूशन बता देता हूँ कि बेटा आपकी वोकेबलरी गारंटीड एक ही किताब से आती है, वो किताब आपके पास होनी चाहिए। तो मैं गारंटी करता हूँ वोकेबलरी जो है वहीं से आएगी। 10 सिनोनिम्स होते हैं, 10 एंटोनिम्स होते हैं, उसे किताब का आपको भी मैं बता देता हूँ, उस किताब का नाम है डिक्शनरी। तो अब डिक्शनरी जो है वो जहर है, मैं याद करने से रहा, तो हम फिर सोल्यूशन यही सजेस्ट करते हैं कि आप जीआरई की लिस्ट कर लें, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स कर लें, चलें कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी अच्छी मेमोरी जो है उससे जो है नवाजा होता है, दे कैन क्रैम वेरी वेल, उनको ये एडवांटेज बाहर आला है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं क्रैमिंग कर सकते, वो फिर क्या करें? उनके लिए फिर एडवाइस मैं यही करता हूँ कि आप लोगों ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर स्टडीज़ अनकॉन्शियसली बहुत सारी वोकेबलरी ऑलरेडी अपने वोकेबलरी बैंक में जो है वो सेव कर ली है, और जिस वक्त आप ये स्टडीज़ शुरू करते हैं, आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, और इसके अलावा ज़ाहिर है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी बेशुमार हैं, उनकी भी वोकेबलरी और जार्गन्स वो भी आते हैं। वो रीडिंग के प्रोसेस के दौरान तो वोकेबलरी वैसे भी इम्प्रूव होती जाती है। डेफिनेटली तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो जो जीआरई या सेट की वोकेबलरी है वहीं से ही वो पूछेगा। अब 2021 के पेपर को देख लें, एक भी वहाँ से नहीं आई थी। 2022 में 20 में से 18 आ गई थी। 2023 में भी थोड़ी बहुत ही आई हैं, सारी की सारी वहाँ से नहीं आई हैं। सो अगर आपके पास टाइम है, आप अच्छा मैनेज कर सकते हैं, आपकी जो है रिटेंशन अच्छी है, और आप अपनी यानी कि मेमोरी का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। कुछ ना करने से कहने का मकसद है, करना जो है वो बेहतर है। मगर दूसरी तरफ सिर्फ जीआरई की ही वोकेबलरी सोल्यूशन नहीं है, आप जो न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं या दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उनकी वोकेबलरी की भी लिस्ट आप अलग-अलग जो है किसी रजिस्टर में या अपने जो भी आपकी रिसोर्स है वहाँ पर मेनटेन रखें। वहाँ पर वोकेबलरी यूज़ हो रही है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, वो याद रखना जो है वो ज़्यादा आसान होती है, बजाय इसके कि आप उसको सेपरेटली और इंडिविजुअली जो है याद करके जो है आप अपनी मेमोरी में रखें। सो मैं यही कहूँगा जी कि जीआरई को एक नज़र देखें ज़रूर, आपको फ़ायदा ज़रूर देगी। और अगर आप फील करते हैं कि डिस्पाइट मैनी अटेम्प्ट्स आप नहीं याद रख सकते, आप नहीं क्रैम कर सकते हैं, तो फिर आप अपने सब्जेक्ट की वोकेबलरी उसकी लिस्ट बनाना शुरू कर दें। सो आप टॉपर से भी पूछें, टॉपर्स भी यही कहते हैं, कोई भी ये नहीं कहता कि 20 में से मेरे 20 ठीक थे, वो यही कहते हैं 10 सर शोर शॉट थे हमारे ठीक, या 11 शोर शॉट ठीक थे। सो मैंने अक्सरियत के ऐसे ही देखे हैं कि 7 से लेकर 11 तक ही ठीक होते हैं। समवर्ड वुड बी वेरी लकी कि अगर 2022 का पेपर आ जाता है तो 20 में से लोगों के 18 भी ठीक हो गए थे, मगर ये कोई गारंटी नहीं है। सो ट्राई टू मैनेज, मैं यही कहूँगा, और आप अपने सब्जेक्ट से मैनेज करने की कोशिश करें, अपनी रीडिंग से मैनेज करने की कोशिश करें। सो मैं तो यही एडवाइस करूँगा। ठीक है सर। सर हमने प्रेसी की बात कर ली, कॉम्पोजिशन की बात कर ली, वोकैबुलरी पे भी हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे भी बात कर ली। एक एक्सरसाइज आता है प्रपोजिशंस का, तो वो तो जैसे हमने कहा कि ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए वन शुड रीड गुड सैम्पल्स और थोड़े से एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करें, तो प्रपोजिशंस की प्रैक्टिस भी वहाँ से हो जाती है।
आते हैं ट्रांसलेशन पे. ट्रांसलेशन के बारे में आप क्या कहेंगे, और एक ट्रांसलेशन वाला जो एक्सरसाइज होता है उसको स्टूडेंट कैसे अप्रोच करें? अच्छा, प्रेपोजिशंस का जहाँ तक सवाल है ना, बिल्कुल उस पर तो ऑलरेडी जो है प्रेपोजिशंस की लिस्ट है और उसका यूजेज है. प्रेपोजिशन का जो क्वेश्चन आपने ये इसको मेंशन किया है, प्रेपोजिशन ने 2018 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को रिप्लेस कर दिया था. 2018 में लास्ट टाइम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का डायलॉग दिया गया था, साथ ही प्रेपोजिशन का भी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया. तो सिंस 2018 अभी तक आपको प्रेपोजिशन का ही सवाल दिया जा रहा है, और वो तकरीबन इंतहाई बेसिक लेवल पर. तो प्रेपोजिशन का इतना तो वो कोई खैर इशू है ही नहीं. आगे जहाँ से लास्ट क्वेश्चन जो उसने रखा है ट्रांसलेशन का, दिस इज द टेस्ट ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर, विच आई कॉल द ओवरऑल टेस्ट ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर. अब उसके अंदर वो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देख रहा है, आपकी वोकैबुलरी भी देख रहा है, और आपकी कंपोजिशन स्किल्स, की आपने उसे एक पैराग्राफ को उर्दू इनटू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करना है. ट्रांसलेशन बहुत बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि आपकी असल स्किल जो है वहाँ से पता चलती है. आप चाहे कितनी क्यों ना यानी कि एजुकेशन के उस लेवल को अचीव कर लें, दोज़ हु आर बॉर्न इन पाकिस्तान डेफिनेटली जो मेजॉरिटी है उनकी वो फर्स्ट लैंग्वेज जो है उनकी या उर्दू है या पंजाबी है या पश्तो है. इस चीज़ से सारी ज़िंदगी आप जान नहीं छुड़वा सकते. यू नेचुरली थिंक इन योर फर्स्ट लैंग्वेज एंड देन यू कॉन्शियसली ट्रांसलेट इट इनटू द सेकंड लैंग्वेज, वो जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है. तो जब तक आपको ख्वाब उर्दू में आ रहे हैं, पंजाबी में आ रहे हैं, पश्तो में आ रहे हैं, तो समझ जाएं कि आपकी असल लैंग्वेज यही है. अब उस ट्रांसलेशन के दौरान बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं. हमारे यहाँ ट्रांसलेशन की आमतौर पर प्रैक्टिस उस तरह स्टूडेंट नहीं कर पाते, और ड्यू टू लिमिटेड टाइम शायद उस रेस में प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं, ट्रांसलेशन को जो है वो नहीं उस तरह टाइम दे पाते. तो ट्रांसलेशन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है हाई स्कोर में या एक फेलियर रेशो को इंक्रीज़ करने में. अब ट्रांसलेशन में जिन बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना है वो ज़रूरी है. आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जामिनर ने क्या दिए हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग टेक्स्ट फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश कीपिंग इन व्यू इट्स फिगरेटिव इडियोमेटिक एक्सप्रेशन. ये फिगरेटिव और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या है? देखें, एक लैंग्वेज में जो मीनिंग है वो एग्जैक्टली ट्रांसलेट करके उन्हीं वर्ड्स में दूसरे लैंग्वेज में नहीं बयान किया जा सकता. मैं मिसाल इनकी स्टूडेंट्स को यही देता हूँ कि अगर आपको उर्दू लैंग्वेज में लिखा ये सेंटेंस आ जाता है कि मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया, तो ट्रांसलेशन के अगर असूल देखूँ लिटरल ट्रांसलेशन के, तो क्या मैं ऐसे ट्रांसलेट करूँगा माय हार्ट बिकम्स गार्डन गार्डन? मैं तो नहीं कर सकता इस तरह. मैं उस लैंग्वेज के इडियम्स और उसकी वोकैबुलरी देखूँगा कि वो ये सेम आइडिया कैसे जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो मैं ऐसे ही कहूँगा जी कि आई वॉज ओवरजॉयड, या बहुत ज़्यादा अगर पोइटिक ट्रांसलेशन है तो माई हार्ट वॉज फिल्ड विद जॉय, को इस तरह का करूँगा. अब अगर आप देखें प्रेसिन कॉम्पोजिशन का पेपर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसके अंदर आपको ट्रांसलेशन के लिए इंग्लिश का पैराग्राफ दिया जाता है. आपको इंस्ट्रक्शन ये दी जाती है कि इंग्लिश के पैराग्राफ को उर्दू या सिंधी में ट्रांसलेट करें. अब वहाँ पे अगर आपको सेंटेंस दे दिया जाता है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, तो आप उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं? अब भी ज़ाहिर है उर्दू का एडियम डिफरेंट है, वो है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. सो ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो है ये आपने जहन में रखना है कि आपने उस लैंग्वेज के इडियम्स यूज़ करने हैं, वो वर्ड्स यूज़ करने हैं जो एग्जैक्टली दूसरी लैंग्वेज के मीनिंग को कन्वे करें. तो हर बार ये लिटरल ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं होती है. सो व्हेन यू आर डेफिनेटली राइटिंग इट इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो यू फॉलो द इंग्लिश लैंग्वेज रूल्स, ग्रामर एंड स्ट्रक्चर. सो उर्दू लैंग्वेज में अब बग़ैर सब्जेक्ट के सेंटेंस बन जाता है. जैसे मैं आपसे पूछूँगा जी कि चाय पी ली है, अब जाहिर सी बात है जी कि मैं आप ही से ही पूछ रहा हूँ, तो पूरा सवाल तो यही था कि क्या आपने चाय पी ली है. इंग्लिश लैंग्वेज में बग़ैर सब्जेक्ट के जुमला नहीं बन सकता, उर्दू में बनता है. सो वहाँ पे अब सब्जेक्ट जो है मुझे लाजमी यूज़ करना है. दूसरा, उर्दू लैंग्वेज में बड़ी दिलचस्प बात है कि फुल स्टॉप तो नहीं है, उसकी जगह पर डैश है, कॉमा एग्जिस्ट करता है, मगर ना तो सेमी कॉलन है, ना डैशेज़ हैं वो जो डबल डैशेज़ होती हैं, ना ही जो है कॉलन है. कॉलन भी बड़ा वो मज़ाक़ा खेज़ यूज़ किया जाता है, कॉलन के आगे जो एक डैश ऐड कर दी जाती है. तो दुनिया में हर जगह पंक्चुएशन की किताब मैंने पढ़ी है, वो दो डॉट्स के आगे जो डैश लगती है वो सिवाय उर्दू जो है ग्रामर के और कहीं नहीं मिलती है. वो बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स भी जो हैं वो उर्दू लैंग्वेज में मिसिंग है, वो नहीं इस्तेमाल होते. हो सकता है पुरानी ग्रामर की किताबों में, वो हमारे जो है आज के दौर में अब इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, मगर इंग्लिश लैंग्वेज पंक्चुएशन के सवाल के साथ आ रही है. ना सिर्फ ये सवाल है बल्कि आप इसको ट्रांसलेशन की जो एक्टिविटी है उसके अंदर भी जो है अप्लाई करते हैं. दूसरा, उर्दू पैराग्राफ, उसके अंदर
हम वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए काम आते हैं, जिनको आप लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं, डिस्कोर्स मार्कर्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स भी कहते हैं. अब इंग्लिश लैंग्वेज का पैराग्राफ विदाउट डिस्कोर्स मार्कर्स, वो जो है अब ज़ाहिर है लिखना जो है मुमकिन नहीं है, वो उसकी रिक्वायरमेंट है. या तो आप लिखेंगे फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, या मोर ओवर, एडिशनली, ये अब आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपने लिखना ही है. सो ट्रांसलेशन पर मैं स्टूडेंट को ये एडवाइस करूँगा कि कंसिडर दी रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. अगर आप डेलिबरेटली ट्रांसलेट वर्ड फॉर वर्ड कर रहे हैं तो वो देखने से तो मुझे इंग्लिश की ट्रांसलेशन का ही पैराग्राफ लगेगा, मगर वो ऐसा लगेगा जैसे कोई उर्दूइश ट्रांसलेशन हो गई है, कोई रोबोटिक हो गई है. जैसे वो गूगल, आप उस पर जो है गूगल ट्रांसलेटर पे बहुत सारे अल्फाज हैं वो डाल देते हैं, तो वो जैसी ट्रांसलेशन देता है वो हमेशा वो नहीं होती जो कि आप उससे पूछ रहे होते हैं या चाह रहे होते हैं. सो इंग्लिश लैंग्वेज की जो सेंस है आपने वो लेके चलनी है, और इंग्लिश के जो रूल्स हैं जो ट्रांसलेशन में भी एज इट इज़ वही फॉलो होते हैं, आपने उन्हीं को लेके आगे बढ़ना है. ठीक है सर. सर इसको कंक्लूड करेंगे एक आखिरी सवाल के साथ कि अगर आप क्विकली बता दें क्वालिटीज ऑफ अ गुड प्रेसी, एक अच्छी प्रेसी की क्या क्वालिटीज. अच्छा जी, इसमें मैं दो तीन चीज़ें जो है ऐड करूँगा. नंबर वन, अगर प्रेसी है तो प्रेसी राइटिंग में टेक्स्ट को जो है ये डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन योर रीडिंग स्किल्स, आपकी रीडिंग स्किल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. आपने यू हैव टू गिव इट ए गुड रीड, इसको एक दो बार आप पढ़ें, उसके बाद उसका रफ ड्राफ्ट बनाएं और उसके अंदर से जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है और जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं उनको जो है आप एक्सक्लूड करें एंड गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट. सेम टेंस फॉलो करें. द ऑथर सेड बराए मेहरबानी ना लिखें, अकॉर्डिंग टू ऑथर हो जाए, द ऑथर सेज हो जाए, वो लिख दें. और टाइटल खुदारा एक ही दीजिए. उसने कहा सजेस्ट आ सूटेबल टाइटल, आ मीन्स ओनली वन. अगर आप नीचे से एक और भी टाइटल लिख देंगे कि अनदर टाइटल कुड बी, तो हो सकता है वो गलत हो जाए और एग्जामिनर कहेगा मैंने एक पूछा था, इसने दो बता दिया, तो इसकी तो थॉट में कंसिस्टेंसी ही नहीं है. एक ही टाइटल लिखें. दूसरा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी मैं इस पर ऐड करूँगा. अगर आप देखें पिछले 3-4 सालों के एग्ज़ाम्स में, चूँकि ये पेपर रीडिंग स्किल्स का है, किसी भी आप अपने एस्पिरेंट से पूछ लें या कोई भी क्वालिफायर होगा उससे अगर एक सवाल पूछें कि विच क्वेश्चन वॉज मोर चैलेंजिंग, तो उसका जवाब यही होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मेजॉरिटी का यही होगा. उसकी वजह यह है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ना सिर्फ टेक्स्ट अब आपको वो लेंथी दे रहे हैं, बल्कि जो सवालात हैं वो भी उस तरह के नहीं दे रहे कि जिनका डायरेक्ट आंसर टेक्स्ट में मौजूद हो. इन्फ्रेंस क्वेश्चन ज़्यादा दे रहे हैं कि जब तक पूरी टेक्स्ट की समझ नहीं आएगी तब तक सवाल का जवाब भी शायद आप ना दे सकें. कॉन्टेंट भी बहुत कम हो जाता है, और चूँकि हर सवाल जो है उसने अलहदा से पूछा है तो हर किसी का मटीरियल भी मिक्स हो रहा होता है. इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मेरा ख्याल है अब स्टूडेंट्स को ज़्यादा ध्यान रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का करना चाहिए, क्योंकि प्रेसी राइटिंग में वो जितने एक्सपेरिमेंट्स था एग्जामिनर वो कर चुका है. अब असल जो इम्तहान वो आपसे ले रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल का ले रहा है, और इस सवाल के भी 20 नंबर हैं तो ये भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना आपका प्रेसी राइटिंग है. फिर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में अभी अगर आप हालिया रिजल्ट देखें आपको मेजॉरिटी जो है अगर मिलेंगी मार्कशीट्स, तो उसमें देखें स्टूडेंट्स जो फेल कर रहे हैं 38-39 स्कोर से. इस बार जो ट्रांसलेशन है ये उसने इंतहाई आसान दी थी, मगर उसके अंदर बहुत बड़ी जो है वो एग्जामिनर जो है एक ट्रिक कर गया. आपको पिछले 6 सालों से उसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पे कोई सवाल नहीं दिया, इस बार जो पूरी ट्रांसलेशन थी सारी इनडायरेक्ट स्पीच में पूछ ली. आज भी जब मैं क्लास में प्रैक्टिस कराता हूँ तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उसको प्रेजेंट में करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि उसका पहला जुमला क्या है. वो शुरू होती है उस बुजुर्ग ने बताया कि जंगल के पीछे एक पहाड़ है जहाँ पर वो फूल उगता है. अब वो सारी सुनने में तो प्रेजेंट टेंस में लग रही है, मगर यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब था आपको वो पास्ट में था. द ओल्ड मैन सेड दैट, अब ये नहीं इसके आगे लिखना कि देर इज़ अ माउंटेन दैट क्रॉस द जंगल, देर वॉज अ माउंटेन अक्रॉस द जंगल, वेयर दैट फ्लावर ग्रोज नॉट ग्रोज, वेयर दैट फ्लावर ग्रीव. किसी भी आप स्टूडेंट को जो है ये मेजॉरिटी की मैं बात करूँ उनसे अगर आप प्रैक्टिस कराएं सब अनकॉन्शियसली प्रेजेंट में कर देते हैं. यहाँ पे उसने आपकी स्किल डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की भी चेक कर ली. एग्जामिनर बेशक आपको सवाल नहीं दे रहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का, मगर प्रेसी राइटिंग में वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की स्किल टेस्ट कर सकता है, खासतौर पर नैरेटिव टेक्स्ट जैसे 2016 की थी डायरेक्ट स्पीच थी. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हर सवाल का जवाब होता ही इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि आप टेक्स्ट से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करते. वट एवर यू राइट इन योर ओन वर्ड्स. उसमें तो फिर ये स्टूडेंट लिख सकते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर या द ऑथर सेड. अच्छा जी, वो लिख सकते हैं मगर उसकी जरूरत हरगिज़ नहीं है. ओके. उसकी हरगिज़ जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली आप आंसर करते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल जो है मैं स्टूडेंट्स को खास तौर पर एडवाइस करूँगा कभी सिंगल सेंटेंस नहीं देना. उसने इसके 4 या 5 मार्क्स जो हैं वो मुकर्रर किए होते हैं.
सो 4 मार्क्स हैं तो उसका एक कॉम्प्रीहेंसिव आंसर दे वो, तो वो फौरी तौर पे जो है उसको एक सेंटेंस सिंगल सेंटेंस करके ख़त्म ना करें। तो ये एक मेजर क्वेश्चन है, इसको भी आपने उतना ही टाइम देना है जितना प्रेसी राइटिंग को दे रहे हैं। सो इन गलतियों का जो है स्टूडेंट जो है थोड़ा सा ख्याल रखे। अगेन मैं स्टूडेंट को यही कहूँगा कि बेटा बैट्समैन जो है वो एक ही जगह खड़े होकर जो है वो प्रैक्टिस करता है, ठीक है, बॉलर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसको रन अप लेना पड़ता है, हर बॉल पे जोर लगाना पड़ता है, और ये 6 सवाल हैं, इन 6 सवालों में जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। एग्जामिनर के पास ऑप्शन है पिक एंड चूज़ की आपके पास नहीं है, उसके पास ऑप्शन है जी आपको वो ईडियम्स दे दे या पेयर ऑफ वर्ड्स, उसके पास ऑप्शन है वो आपको प्रेपोजिशंस दे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, तो वो अपनी ऑप्शंस पे उसको इस्तेमाल करेगा। एनोलॉजी 2016-17 में आई मगर उसके बाद उसने नहीं पूछी, आपके टाइम पूछ सकता है जब आप देने जाएंगे। सो यहाँ पे बेटा आपको जो है इंतहाई ज़्यादा प्रिपेयर्ड होके जाना है, हर क्वेश्चन डिफरेंट स्किल सेट आपसे डिमांड कर रहा है, आपको हर क्वेश्चन पे जो है एक बहुत अच्छा लेवल जो है अपनी प्रैक्टिस का वो एक बरकरार रखना है। सो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, मैं तो अब यही कह सकता हूँ। All right, sir. Thank you so much. This was really insightful. Sir, end mein jo CSS aspirants hai, I would request you to give them a small piece of advice. Okay, dear students, so since our discussion was regarding Preci and composition, so Preci teaches you one thing beside all other things. That one thing is, it is always the quality that matters. It is not the quantity. Aap jo bhi likhein, uske andar quality honi chahiye. Quantity pe focus na karein. मुख्तसर बात लिखें, टू द पॉइंट बयान करें, डोंट बीट अबाउट द बुश, और ये असूल आपने हर पेपर में अपनाना है। सो एज लॉन्ग एज यू स्टिक टू द क्वालिटी, आई गारंटी यू वुड स्कोर हाई एज वेल। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू वेरी मच बेटा, सो नाइस ऑफ यू। फॉर ऑल दोस हु आर वॉचिंग, इफ यू लाइक टुडे एपिसोड, सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।